गुड मॉर्निंग एवरी वन वी हैव स्टार्टेड आर न्यू सेशन न्यू क्लास न्यू चैप्टर जिसमें हमने अभी तक रिकैप एक्सरसाइज करी है जो भी हमने क्लास फोर में पढ़ा था वो चीज़ अब हम उसको हमने थोड़ा सा रिकैप किया और उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे वी विल कॉन्टिन्यू विथ दैट टॉपिक ओनली बट विथ सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है ना हमने क्लास फोर में क्या पढ़ा था रिकैप में हमने देखा कि हमने फाइव डिजिट एंड सिक्स डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा था है ना फाइव डिजिट एंड सिक्स डिजिट नंबर अब सिक्स डिजिट नंबर मीन्स अगर मैं हम आपसे पूछूँ कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर वॉट वॉट विल यू से नाइन है ना नाइन लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ये सिक्स डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है तो अब क्वेश्चन आता है कि वॉट विल बी सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इस नंबर का सक्सेसर क्या होगा दैट मीन्स कौन सा नंबर इसके जस्ट बाद आएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम अगेन वी हैव नोन दैट कि देर इज ईजी वे हम वन को ऐड कर देते हैं हमें ईजीली पता चल जाएगा है ना बड़े बड़े नंबर्स में अगर हमें कंफ्यूजन होती है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा तो देर इज वेरी इजी वे कि हम उसमें वन ऐड कर देते हैं हमें पता चल जाएगा तो अगर हम इसका सक्सेसर देखते हैं वो किस तरीके का नंबर हमें मिलेगा वी विल गो टू दी सेवन डिजिट नंबर फ्रॉम सिक्स डिजिट टू सेवन डिजिट जैसे ही हम एक वन ऐड कर देते हैं लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर में हम सीधा सेवन डिजिट नंबर पे पहुंच जाते हैं है ना तो वी विल गेट दैट सेवन डिजिट नंबर और इसी तरीके से हम उसमें भी और आगे जाएंगे लार्जेस्ट सेवन डिजिट में हम वन और ऐड करेंगे वी विल गो टू एट डिजिट नंबर एंड सिमिलरली वी विल गो टू नाइन डिजिट नंबर्स आल्सो तो अब हम इस क्लास में सेवन डिजिट एट डिजिट एंड नाइन डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे उनको रीड कैसे किया जाता है कॉमा कहाँ लगाया जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनता है वो सब कुछ जो हमने क्लास फोर में भी किया था यहाँ पर क्लास फाइव में भी करेंगे बट विद मोर लार्जर नंबर सो लेट्स एथ नाउ एक्सरसाइज वन पॉइंट वन अब हम आते क्वेश्चन नंबर वन पे क्वेश्चन नंबर वन में ये ग्रीन पार्थ से क्या लिखा हुआ है हमारे पास सेपरेट दीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग यूज कॉमर्स हमें यहाँ पे एक प्रॉपर प्लेस पे कॉमास पुट करने हैं और उसके हिसाब से पीरियड्स को सेपरेट करना है अब पीरियड्स क्या होते हैं ये हम प्लेस वैल्यू चार्ट से समझेंगे हमने क्वेश्चन क्लास फोर में किया था प्लेस वैल्यू चार्ट ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे उससे हमारे लिए पीरियड्स को सम समझना वेरी इजी हो जाएगा ठीक है और जब पीरियड्स को समझना इजी हो जाएगा तो वी वी कैन पुट कॉमास और जब हम कॉमास इजीली पुट कर पाएंगे तो हम नंबर्स को इजीली रीड भी कर पाएंगे ठीक है तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट आपके लिए कर करूंगी बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये यह नंबर है सिक्स एट सेवन फाइव एट थ्री फोर ठीक है हमने क्या किया है यहाँ पे ये यह पूरा ऐसे चार्ट जैसा बनाया है, हम बनाएंगे सबसे राइट में नंबर लिख देंगे जो हमारा नंबर बनेगा एक्चुअल में यही नंबर हमारा है है ना राइट साइड से स्टार्ट करेंगे एक एक करके ये वंस प्लेस होता है देन टेंस प्लेस आता है देन हंड्रेड प्लेस देन थाउजेंड्स प्लेस देन टेन थाउजेंड्स प्लेस लाख, देन टेन लाख आता है और उसके बाद करोड़ आता है यह हमें अच्छे से लर्न कर लेना है वन tens, हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड देन लाख, टेन लाख एंड करोड़ ठीक है अब हम क्या करेंगे वन बाय वन राइट साइड से ये डिजिट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं फोर ठीक है फोर है हमारे पास नंबर में देन आते हैं हम थ्री पे तो उसको हम लिख देते हैं टेंस प्लेस पे देन आते हैं हम एट पे इसको हम लिख देते हैं हंड्रेड्स प्लेस देन आते फाइव पे फाइव हमारा नेक्स्ट आ जाएगा थाउजेंड्स प्लेस पे सिमिलरली सेवन आएगा हमारा टेन थाउजेंड्स प्लेस पे एट आएगा हमारा लैक्स प्लेस पे एंड देन आएगा हमारा सिक्स टेन लैक प्लेस पे ठीक है इसके बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है अगर होती तो हम उसको करोड़ प्लेस पे लिख देते ठीक है अब हम क्या करेंगे हमारे पास एक चीज़ जो बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट वन टेंस हंड्रेड ये तीनों हमारे एक ही पीरियड के अंदर आते हैं और इस पीरियड का नेम होता है वन पीरियड ठीक है इसका मतलब इन डिजिट्स के बीच में कहीं कॉमा नहीं आएगा ठीक है ये डिजिट्स को हम एक साथ लिखेंगे एट थ्री फोर इनके बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा इसके बाद हमारा फाइव से नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसको हम थाउजेंड पीरियड बोलते हैं क्यों क्योंकि ये दोनों ही थाउजेंड है ये वन थाउजेंड है ये टेन थाउजेंड वाला पीरियड है ठीक है तो प्लेस है तो हम इसको इस पीरियड को थाउजेंड पीरियड बोलते हैं टी एच अब क्योंकि वंस के एट के जस्ट बाद थाउजेंड पीरियड नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया अब हम यहाँ पे कॉमा पुट करेंगे क्योंकि जैसे हमारे पीरियड अलग अलग होते हैं हम कॉमा पुट कर देते हैं बीच में तो नेक्स्ट पीरियड के अंदर कौन कौन डिजिट्स थी सेवन फाइव यही थी ना फाइव यहाँ से राइट right साइड से फाइव एंड सेवन फिर उसके बाद हमारा आता है लाख और टेन लाख ये दोनों ही है तो ये दोनों एक ही पीरियड के अंदर आते हैं लाख पीरियड के अंदर ठीक है तो थाउजेंड पीरियड जैसे ही खत्म हुआ राइट right साइड से फिर से हमने कॉमा पुट कर दिया और अब हमने लाख पीरियड का जो भी डिजिट्स थी सिक्स एट उनको लिख दिया तो हमारा ये नंबर प्रॉपर वे में हमने पुट कर दिया है पीरियड्स को सेपरेट कर दिया है बिल्कुल इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट्स भी करेंगे दिस क्वेश्चन नंबर टू हम आज की क्लास में ओनली टू क्वेश्चन करेंगे ड्रॉ अ प्लेस वैल्यू चार्ट जो अभी अभी हमने चार्ट बनाया था दैट इज़ अ प्लेस वैल्यू चार्ट उसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं एंड राइट द डिजिट्स अंडर द करेक्ट प्लेसेज जैसा हमने अभी इस क्वेश्चन में किया था है ना बिल्कुल करेक्ट प्लेसेस पर हमने डिजिट्स को लिखा था वन प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी टेंस प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी उस तरीके से हमें यहाँ पर हर डिजिट को अप्रोप्रिएट प्लेस पर लिखना है ईच ऑफ दी फॉलोइंग ठीक है हमें यही करना है बस और कुछ नहीं करना है कॉमा ऑलरेडी पुट है यहाँ पे कोई वर्ड्स में हमें लिखना नहीं है प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है वहाँ पे अप्रोप्रिएट प्लेस पे हर एक डिजिट को लिखना है जिसका सी पार्ट मैं करूँगी और बाकी के पार्ट्स आप खुद करें तो ये हमारा सी पार्ट है ठीक है ये नंबर था हमें वन कॉमा फोर नाइन कॉमा थ्री थ्री कॉमा टू फाइव फोर हम क्या करेंगे फिर से वही सेम चीज़ ये हमारे पास पूरा प्लेस वैल्यू चार्ट है नंबर देन वंस टेंस हंड्रेड ये हमारा पूरा एक पीरियड होता है वन पीरियड जिसको हम कौन सा पीरियड बोलते हैं इसका नेम क्या होता है इस पीरियड का वंस ठीक है उसके बाद हमारा थाउजेंड टेन थाउजेंड आता है तो ये हमारा नेक्स्ट पीरियड आ गया इसको हम थाउजेंड पीरियड बोलते हैं टी एच में शॉर्ट में लिख देती हूँ उसके बाद हमारा लाख एंड टेन लाख आता है ये हमारा लाख पीरियड हो गया ठीक है जिसको हम शॉर्ट में एल लिख सकते हैं लैक पीरियड और उसके बाद करोड़ में एक ही है फिलहाल हमारे पास तो ये हमारा करोड़ पीरियड हो गया सी अब हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे ठीक है फोर वनस प्लेस पे लिखेंगे देन फाइव टेंस प्लेस पे आएगा टू हंड्रेड प्लेस पे आएगा फिर थ्री थाउजेंड प्लेस पे आएगा फिर से थ्री है टेन थाउजेंड प्लेस पे आएगा नाइन लैक्स प्लेस पे आएगा एंड देन फोर टेन लैक प्लेस पे एंड फाइनली वन एट करोर प्लेस तो बस यह हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया ठीक है और हमने उन में प्रॉपर प्लेसेस पे उनके डिजिट्स को भी लिख दिया आप क्या कर सकते हैं यही सेम चीज़ है इसी कोई और नीचे लाइन आप एक्सटेंड कर दो ठीक है और बाकी के पार्ट भी इसी चार्ट में आप लिखोगे आपको कुछ नहीं करना है ऐसे ही एक पूरा चार्ट बनाना है पहले यहाँ पे नंबर्स वनस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोर जो आपको अच्छे से लर्न कर देना है राइट साइड से इन तीनों को वन स्पीरियड के अंदर लिखेंगे थाउजेंड वाले जो नंबर्स हैं उनको थाउजेंड स्पीरियड के अंदर लैक वालों को लैक के नीचे एंड करोड़ वाला हमारा अलग प्लेस हो जाएगा ये सारे हो गए हमारे एज इट इज़ अब हम क्या करेंगे डिजिट्स को वन बाय वन राइट साइड से स्टार्ट करते हुए लिखेंगे हर एक प्लेस के नीचे ठीक है और उसके बाद हमारा ये फर्स्ट एक पार्ट हो गया लाइन ड्रॉ कर दो फिर ऐसे आप सेकेंड पार्ट को इसी के नीचे लिख दो और यहाँ पे आप फिर से चाहो तो नंबर लिख दो वन कॉमा फोर नाइन कॉमा थ्री थ्री टू फाइव फोर यहाँ पे भी कॉमा आ जाएगा ठीक है और आप, हम इसको इवन रीड भी कर सकते हैं बहुत इजीली बट अभी आपको सिर्फ इतना करना है चार्ट बनाना है और वहाँ पे प्लेसेस में डिजिट्स को लिखना है तो आप बाकी के पार्ट्स करेंगे